ये कहानी मैं पूर्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम पूर्वा है और मैं 15 साल की हूँ, लेकिन जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तब की घटना है जब मैं 10 साल की थी। वो जून का महीना था और उस समय मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों औरंगाबाद में हमारे मामू के घर रहने के लिए गए हुए थे। जिस दिन हमारे साथ ये घटना हुई उस समय दोपहर हो रही थी और उसी दिन मम्मी और मामू किसी काम की वजह से घर से बाहर जा रहे थे। मेरा छोटा भाई और मैं, हम दोनों ही घर पर अकेले रहने वाले थे और उस वक्त हम टीवी पर कार्टून्स देख रहे थे। जाने से पहले मम्मी ने मुझसे कहा, पूर्वा, मैं और मामू एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, हम 1-2 घंटे तक लौट आएंगे। तुम दोनों का लंच मैंने किचन में बनाकर रख दिया है, तो जब भी तुम्हें भूख लगेगी खाना लेकर खा लेना। ओके मम्मी। तभी मामू ने भी मुझसे कहा, और एक बात अच्छे से याद रखना पूर्वा, तुम बड़ी बहन हो इसीलिए अभी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई भी आकर बेल बजाए या फिर दरवाजे पर नॉक करे तो पहले पूछ लेना कि बाहर कौन है। मेरे और मम्मी के अलावा अगर कोई भी बाहर हो तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। ठीक है मामू। और मुझे ये सब इंस्ट्रक्शंस देकर मम्मी और मामू हम दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर चले गए। उन दोनों के जाते ही मैं सबसे पहले किचन में गई और अपने लिए और चिंटू के लिए बेडरूम में ही लंच ले आई। हम दोनों ने लंच खाते खाते शिनचैन देखा और लंच फिनिश करने के बाद हम डोरेमोन देखने लगे। उस समय तक मम्मी और मामू को बाहर गए करीब 12 घंटा हो चुका था और मैं और चिंटू मजे से टीवी देख रहे थे। लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक को सुनकर मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा कि मम्मी और मामू वापस लौट आए हैं, और मैं भागकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी एंड मोमेंट पर मुझे मामू की कही हुई बात याद आ गई। मेरे और मम्मी के अलावा अगर कोई भी बाहर हो तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। और मैंने दरवाजा बिना खोले ही ऊंची आवाज में पूछा, कौन कौन है बाहर? पर मेरे पूछे हुए सवाल का किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कुछ सेकंड्स वेट किया और एक बार फिर से पूछा, अरे कौन है बाहर? लेकिन दूसरी बार पूछने पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्योंकि बाहर से अब किसी भी हलचल की आवाज नहीं आ रही थी तो जो भी अभी आया था वो शायद वापस जा चुका होगा, और ऐसा सोचकर मैं वापस अपने भाई के पास जाने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर से दरवाजे को कोई तेज तेज पीटने लगा। इस बार वो जो कोई भी था वो दरवाजे को बहुत ही जोर जोर से मार रहा था। मैं लगातार पूछे जा रही थी कौन के बाहर, कौन है, कौन है बाहर, लेकिन वो जो कोई भी था वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था और बस दरवाजे को पीटता जा रहा था। वो सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि अब मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं चिल्लाते हुए वापस अंदर चिंटू के पास भाग गई और तुरंत ही मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस कमरे में घुसते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई। चिंटू कमरे में नहीं था और ये देखकर मेरा रोना निकलने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा। वो चिंटू ही था। चिंटू भी उस लगातार आ रही नॉकिंग की आवाज से डर गया था और वो बिस्तर के नीचे जा छुपा था। चिंटू ने मुझे भी बिस्तर के नीचे छुप जाने को कहा और हम दोनों भाई बहन वहीं बिस्तर के नीचे दुबक कर बैठ गए।
दरवाजा 5 मिनट तक लगातार बजता रहा और उसकी आवाज सुनते हुए हम अपने कमरे में डरे हुए बिस्तर के नीचे छुपे रहे। फिर आई वो घड़ी जब अचानक ही दरवाजे का बजना बंद हो गया। दो मिनट तक घर में एकदम शांति थी और मैंने सोचा कि बाहर जो कोई भी था वो अब चला गया है। लेकिन तभी इस बार हम जिस कमरे में थे उस कमरे की खिड़की पर बाहर से नॉक होने लगा और नॉकिंग के साथ साथ कोई आदमी बहुत ही तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगा। और वो भयानक आवाज सुनकर मैं और चिंटू बुरी तरह रोने लगे। हमें लग रहा था कि खिड़की शायद ज्यादा मजबूत नहीं होगी और वो आदमी किसी भी पल उसको तोड़कर अंदर आ जाएगा, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। और 5 मिनट तक खिड़की पर लगातार ठोका ठाकी करने के बाद उस आदमी ने गिव अप कर दिया और वो वहां से चला गया। लेकिन फिर भी मेरी और चिंटू की अभी भी बिस्तर के नीचे से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ वहीं बिस्तर के नीचे चिपक कर बैठे रहे और पता नहीं कब हम दोनों की आंख लग गई। मुझे याद नहीं कि उस समय क्या टाइम हो रहा था, पर मेरी आंखें दरवाजे पर हो रही नॉकिंग की आवाज से खुली। इस बार जो भी बाहर था वो नॉकिंग बहुत ही आराम से कर रहा था, पर फिर भी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दरवाजे पर जाकर चेक करूं। दरवाजा 2-3 बार फिर से नॉक हुआ और फिर उसके साथ एक आवाज आई, पूर्वा दरवाजा खोलो। वो मेरी मम्मी की आवाज थी और उस आवाज को सुनते ही मैं भागते हुए दरवाजे पर गई और उसे खोलकर मम्मी से लिपट गई और रोने लगी। हमारे साथ जो कुछ हुआ था हमने मम्मी और मामू को बता दिया, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं लिया और हमसे कहा कि शायद ये किसी बच्चे की शरारत होगी। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं और चिंटू उस दिन किस मुसीबत से बचे थे वो हमें अगली सुबह ही पता चल पाया। अगली सुबह जब हम सब बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे तो न्यूज एंकर ने एक खबर सुनाई, और अगली बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद के जसवंतपुरा इलाके से, जहां एक पागल साइको आदमी ने एक घर के अंदर घुसकर वहां रहने वाले 3 लोगों का खून कर दिया है। जसवंतपुरा का नाम सुनते ही हम सब चौंक गए, क्योंकि जसवंतपुरा वही इलाका था जहां हम लोग अभी अपने मामू के घर पर रह रहे थे। इस वारदात को अंजाम दिया गया है जसवंतपुरा के एच ब्लॉक में, जहां शाम के समय ये मानसिक रूप से बीमार आदमी एक घर की खिड़की खुली देखकर उसमें घुस गया और चाकू से हमला कर इसने वहां रहने वाले 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। न्यूज एंकर की बातें सुनकर मेरी सांस अटक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल जब वो साइको हमारे घर के अंदर नहीं घुस पाया तो उसने हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर बसे एक दूसरे घर को अपना निशाना बना लिया और अपनी हैवानियत को अंजाम दे दिया। उस आदमी ने टीवी पर पुलिस को यह भी बताया कि वो बीते दिन पूरा समय आसपास के इलाकों में घूम रहा था और उसने उस घर में घुसने से पहले 2-3 और भी घरों में घुसने की कोशिश करी थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाया था। उस साइको आदमी का इंटरव्यू सुनकर मैं एक बार फिर से रोने लगी और मेरी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। मम्मी से लिपटकर मैं सोचने लगी कि अगर कल वो पागल आदमी हमारे घर में घुसने में कामयाब हो जाता तो पता नहीं मेरे और मेरे भाई के साथ क्या होता। आज 5 साल बाद भी उस भयानक घटना को याद करके मैं कांप उठती हूँ और दरवाजे पर होने वाली हर एक दस्तक से मुझे आज भी डर लगता है। काश मैं एक दिन अपने मन के अंदर बसे हुए इस डर से छुटकारा पा सकूं।